आपका बॉडी शुगर लेवल, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या डेट्स खाने से हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो वो लोग ध्यान में रखिए, अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो आप डेट्स लेने से भी आपका शुगर लेवल हाई होने के चांसेस नहीं है। आप डेली 3 या 5 डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोसिक जिम। चलिए आज बात करते हैं डेट्स, जिसे खजूर भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि डेट्स लेना या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के डाउट ध्यान में, दिमाग में ये डाउट आता है कि डेट्स ज़्यादा लेने की वजह से बॉडी में हीट हो जाता है। इससे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है, आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि, और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं डेट्स, जिसे खजूर भी कहा जाता है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अरब कंट्रीज एंड साउथ एशिया में इसके झाड़ पाए जाते हैं। और ये नेचुरल है, डायरेक्ट आपको झाड़ से मिल जाता है, ट्री से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम आज यहाँ पे 5 to 6 बेनिफिट्स आपको बतलाएंगे कि इसमें डेट्स लेने से क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को डेट्स के बारे में डाउट रहता है कि बॉडी में हीट हो जाता है, तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है, बॉडी में हीट नहीं होता है। डेली के आप 3, 5, 7 इसका अल्टरनेट अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। हो सका तो आप 3, 5 या 7 डेट्स पर डे आपकी डाइट में ऐड करिए, चाहे मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग स्नैक के तौर पे कभी भी आपकी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स, 5 बेनिफिट्स, जो कि फर्स्ट बेनिफिट इसका है, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, हाई रिच इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मिनरल्स, आयरन और बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन B6 अवेलेबल है। B6 बहुत सारे चीज़ों में अवेलेबल नहीं होता है, रेयर आपको B6 मिलता है। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन जो रहते हैं, इन लोगों को B6 का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर से लोग को B6 का इंजेक्शन या कैप्सूल्स इनकी डाइट में कंपलसरी कर देते हैं। तो अगर आप डेट्स लेंगे तो आपका B6 नेचुरल वे से आपको मिल सकता है। और सेकेंड, हाई इन फाइबर, फाइबर जो कि आपको पहले मेरी ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने फ़ाइबर के बारे में इस सब गोल से थ्रू बतला दिया है कि फाइबर सोर्स ऑफ फाइबर नेचुरल वो भी है, और फाइबर सोर्स ऑफ नेचुरल डेट्स में भी मिलता है आपको। डेट्स में हाई फाइबर रहता है, अगर फाइबर अगर आपकी बॉडी में मिला तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर कॉन्स्टिपेशन जिसको प्रॉब्लम है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आते हैं और वेट लॉस होने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको डेट्स के अंदर हाई रिच फाइबर भी अवेलेबल है। अगर आप साइंस रिसर्च के हिसाब में एक बतलाया गया है कि 21 मेंबर्स को 21 डेज डेली 7 डेट्स देने के बाद चेक किए तो वो लोग का कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम जो भी था क्लियर हो गया। तो आप डेली 7 डेट्स अगर कॉन्स्टिपेशन है तो यूज़ कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि बॉडी में ओवर हीट हो जाता है, तो अगर आपको हीट अगर दिख रहा है तो कंट्रोल करने के लिए वाटर लेवल को आपको बढ़ाइए, 4 to 5 लीटर्स बॉडी में वाटर लेवल लेने की कोशिश करिए, तो आपका हीट होने के चांसेस नहीं रहते। सेकेंड है आपका बॉडी वेट कंट्रोलिंग करने के लिए। बहुत सारे लोगों को वेट लॉस नहीं होता है तो वो लोग भी डाउट करते हैं कि अगर डेट्स लिए तो वेट लॉस होता या नहीं होता, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप अगर डेट्स लिए तो आपका बॉडी वेट भी कंट्रोल में रहता है और वेट लॉस होने की भी चांसेस रहते हैं। सेकेंड, फोर्थ हो गया आपका ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड आपको ब्रेन प्रॉब्लम्स आने के चांसेस नहीं रहते हैं और नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल गुड और अच्छा हेल्थी रहेगा। फिफ्थ, आपका बॉडी शुगर लेवल, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या डेट्स खाने से हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। तो वो लोग ध्यान में रखिए, अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो आप डेट्स लेने से भी आपका शुगर लेवल हाई होने के चांसेस नहीं है। आप डेली 3 या 5 डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, और स्वीटनिंग है, टेस्टी है, आप
कोशिश करिए आपकी डाइट में ऐड करने की। मैं तो बहुत सारे लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब कभी भी आप ब्रश करें, एम्प्टी स्टमक रहे, तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आलमंड्स, नट्स और आपका अखरोट, डेट्स ऐड करिए आपकी डाइट में। डेली 3, 5 या 7 डेट्स अर्ली मॉर्निंग ऐड करिए। अगर अर्ली मॉर्निंग ऐड नहीं कर सकते, बिगनर्स है, तो आप बनाना शेक बनाने के टाइम पे भी अगर डेट्स ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, और इवनिंग टाइम पे स्नैक के तौर पे भी आप डेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, डेट्स हेल्दी है आपकी डाइट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। कुछ भी आपको डाउट रहा तो आप हमें फ्रीली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं या मेरी टीम आपको कमेंट के थ्रू आपको आंसर दे देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि जब कभी नई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।